माय नेम इज मोहम्मद बिलाल, आई एम 22 इयर्स ओल्ड और ये कहानी है मेरी और क्रिकेट की। माय फादर टुक मी टू वॉच अ क्रिकेट मैच लाइव इन अ स्टेडियम, और टू बी एग्जैक्ट वो पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच था और मेरी जिंदगी का पहला मैच था जो मैंने किसी भी स्टेडियम में बैठ के देखा हो, इंटरनेशनल नॉट डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। क्रेज मेरे में उस टाइम से था कि मैं स्टेडियम में जाके मैच देखूं, लेकिन उस टाइम मेरे अंदर इतना नॉलेज नहीं था। क्रेज इस चीज़ का भी था कि घर जाके घर वालों को पूछूंगा मुझे टीवी पे देखा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ता गया और स्टेडियम में लाइव मैच देखने का, खेलना तो दूर की बात है इंसान देख तो रहता है, देखने का जुनून बढ़ता गया। लेकिन इन 2009 अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट अटैक्ड श्रीलंकन क्रिकेट टीम इन पाकिस्तान, और उस वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो गई। 12 दहशत गर्दों ने श्रीलंकन टीम पर हमला कर दिया। बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, और जो आते थे सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और वो अपना टूर कैंसिल कर देते थे। लेकिन थैंक्स टू PSL, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान। बहुत सारे प्लेयर्स अब सिक्योर फील करते हैं पाकिस्तान में, और उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल बहुत दिया जाता है, और इतने प्रोटोकॉल के अंदर किसी भी कोई मिसहैप होना नामुमकिन के करीब करीब है। लेकिन टिल नाउ June 7th, 2022 मुल्तान में एक भी क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच टू बी एग्जैक्ट, नहीं हुआ। ये होने जा रहा है ऑन June 8th, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट ODI, और मैं स्टेडियम में मौजूद हूँगा इन मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देखते हुए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ और ये प्योरली मेरे दिल से निकल रहा है। आई विल बी इन द स्टेडियम एंड आई विल बी टेकिंग यू गाइज विद मी। मैंने, अरसलान भाई ने और वारिस भाई ने प्रोग्राम बनाया पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के पहले ODI देखने का। बस फिर हम मुल्तान की तपती हुई गर्मी में निकल पड़े। रश तो बहुत था और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी, तो हम पहले फातिमा जना कॉलोनी पहुंचे, वहां पे अपनी बाइक खड़ी की और वहां पे सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में खड़े हो गए। सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद बस का इंतजार किया जो कि हमें स्टेडियम लेके जाएगी, और फिर हम बस पे रवाना हो गए। बस में भी शदीद रश था, स्टेडियम आवाम से शदीद भरा हुआ था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैट करने का फैसला किया। This is Fakhar. अगर बन गया सर तीनों स्कोर। This is Rizwan, I think. नहीं ये वो नवाज है ना? नहीं वो बॉलर। ये this is Imam. शाई होप की शानदार बैटिंग की वजह से वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट्स पर 306 रन का टारगेट दिया, और हमारा जो टाइम था वो इस तरह गुजरा। जी को मजबूर लेके आ गए हैं। बेचारा 5 बार सबके देके आगे चुप के बैठा रहा। उसको पता ही लगा। पानी भी गर्म मिला बेचारे को, कुल्फी भी ठंडी भी नहीं मिली। वारिस भाई बोर हो रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा इनको मैच का। अगर अरसलान भाई इस ओवर में लग गया ना, इस साइड पे छक्का आ गया, आपको पिज़्ज़ा मेरी तरफ से। अगर आ गया, अगर ना आया तो गर्मी तो नहीं हो गया चार गया। वो बेचारा पहले टिकट दे गया है। वारिस भाई अगर इस ओवर में छक्का लगा और हमारी तरफ आया, पिज़्ज़ा मेरी तरफ। तो बॉल तो हमारी तरफ ना आई और ना ही कैमरा, लेकिन बाबर ने दिल जीत लिया। बाबर स्कोर्ड अ फैंटास्टिक 103 रन्स। लेकिन हम सेकंड इनिंग्स के पहले 10 ओवर देखकर वापस चले गए। हम बाहर निकल के आ गए हैं क्योंकि मैच अभी चल रहा है और रात बहुत हो गई है, अब वापस चल रहे हैं। अरसलान भाई थक गए हैं और हमारे साथ एक जो बंदा है जिसने टिकटें भरी हैं,
ये भी वापस जा रहा है, 1500 वाला था गया, तो अभी हम वापस जा रहे हैं, मैच हम यहीं पे ऐड करें हैं। रिजल्ट्स आपको मैं बाद में बता दूंगा। मसला ये है जो पार्किंग है ना वो यहाँ से बड़ी दूर है, अभी हम आए तो शटल बसेस पे थे लेकिन अभी हमें पैदल जाना पड़ेगा। अब मैंने बॉयज़ को मजबूर किया हमारे साथ पैदल चले। अरसलान भाई की बड़ी हो गई है, अभी छोटी हो जाएगी इसी बहाने, कोई ऐसे कोई लग रहा है मुझे बाहर पड़ने वाली है। तो ये था मेरा और मेरे दोस्तों का दिन इन मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।